सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, जब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी का युद्ध चल रहा था बाबर से, जो श्रीनाथ जी का इतिहास है वो भी यही कहता है, वहाँ पे भी मूर्ति जो है औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए उसको यहाँ लाया गया था। मंडफिया गांव के एक ग्वाला हुआ करते थे भोली राम जी गुजर, उनके सपने में आया कि बागुन गांव में बड़ के पेड़ के नीचे चारों मूर्तियां गाड़ी गई है। मंदिर के जस्ट सामने काफी सुंदर यहाँ पे बना हुआ है गार्डन और चारों तरफ एक बोलो सावरिया सेठ की। नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा सांवरिया सेठ मंदिर के लिए, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और मंडपिया करके एक जगह है वहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने कल शाम को ये हिस्ट्री पढ़ी गूगल पे, और उसके बाद इनके ऑफिशियल जो साइट है सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट का जो साइट है गवर्नमेंट, वहाँ से मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सिमिलर हिस्ट्री है नाथद्वारा टेम्पल की। नाथद्वारा मंदिर में जिस तरह से औरंगजेब से उस मूर्ति को बचाने के लिए मेवाड़ लाया गया था, वैसी ही सेम हिस्ट्री यहाँ की भी बताते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री बताएंगे आपको यहाँ की, और मंदिर भी दिखाएंगे। काफ़ी शानदार मंदिर है सांवरिया सेठ मंदिर, काफ़ी फेमस है, लाखों लोग वहाँ डेली दर्शन करते हैं, और क्यों इतना फेमस है वो आपको वहीं जाके बताएंगे। वहाँ पे करोड़ों रुपए का दान आता है। अभी रिसेंटली राम मंदिर के उद्घाटन में भी वहाँ पे 50 करोड़ का अमाउंट जो है सांवरिया सेठ मंदिर से गया था, तो काफ़ी बड़ी बात है। तो इसके बारे में भी जानेंगे और चलते हैं और डायरेक्ट वहीं जाके मिलेंगे आपको। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मैक्स से मैक्स 15 मिनट्स रहेगा। हाईवे से जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 7 किलोमीटर है, तो 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर। थोड़ा गांव से सांवरिया सेठ मंदिर जो रोड जाती है आप देख सकते हैं, पहले ये रोड सिंगल रोड हुआ करती थी, अब इसमें भी डबल रोड किया जा रहा है इसको, और बीच में डिवाइडर बनेगा। इसमें काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और भक्तजन आके यहाँ दर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम, अच्छा डेवलपमेंट है। और ये जो मंदिर है गवर्नमेंट ट्रस्ट में ही आता है। चलिए श्री सांवरिया सेठ मंदिर की पावन नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सांवरिया सेठ मंदिर में आके आप देख सकते हैं काफी ब्रॉड जगह में यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। ये जगह से अपन आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ होती होगी फेस्टिवल्स के टाइम पे। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही इन्होंने पार्किंग बना रखी है, आगे से जो है फिर गाड़ियाँ नहीं जाती आगे, यहीं पर ही अपन को पार्क करके पैदल जाना पड़ेगा। काफी बड़ा यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, जैसे कि नॉर्मली फेमस जो मंदिर के बाहर होता है सेम वैसा ही मार्केट है। यहाँ पे धार्मिक चीज़ें आपको मिल जाएगी, हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे और खाने पीने की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अरे साहब मंदिर खुला है क्या अभी? मंदिर अभी नहीं खुला है, 2:30 बजे खुलेगा। 2:30 बजे खुलेगा? हाँ। और भीड़ भाड़ है क्या आज? भीड़ भाड़ तो ज़्यादा नहीं है, दर्शन हो जाएंगे टाइम पे ना। हाँ जी, हमने यहाँ हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई है। वैसे हमने गार्ड साहब से पूछा है अभी, ज़्यादा आज भीड़ नहीं होगी मंदिर में, क्योंकि आप देख सकते हैं उधर जो ग्राउंड है पूरा खाली है आगे। अभी अराउंड 2 बजे का टाइम है, मंदिर के पट अभी बंद है और आधे घंटे में जो है मंदिर के पट खुलेंगे, तब तक हम यहीं वेट करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर का प्रवेश है, और सामने यहाँ मंदिर की टाइमिंग्स कुछ बताई गई है। मंदिर सुबह 5:30 बजे ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे 10 से 11:15 जो है राजभोग आरती की जाती है, उसके बाद 12 से 2:30 बजे तक दोपहर विश्राम होता है, और उसके बाद 2:30 बजे मंदिर वापस खुलता है। मेवाड़ का सुप्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर भगवान कृष्ण का अवतार है और ये अपने भक्ति शक्ति पराक्रम और बलिदान के लिए पूरे संसार में जाना जाता है। सांवरिया सेठ मंदिर की हिस्ट्री जो है कुछ इस प्रकार है, बात है 1584 के टाइम की, जब मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी का युद्ध चल रहा था बाबर से, और उस युद्ध में संग्राम सिंह जी की डेथ हो गई थी, और संग्राम सिंह जी की डेथ के बाद उनके एक पुत्र थे भोजराज जी, महाराणा भोजराज जो हुए मेवाड़ के राजा, उनकी शादी हुई थी मेड़ता की जो मीराबाई है उनसे। मीराबाई का नाम आपने सुना ही होगा। मीराबाई के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उससे मीराबाई का कनेक्शन रहा है हिस्ट्री में। मीराबाई की शादी के बाद उनके माता पिता की डेथ हो गई और उसके 2 साल बाद उनके पति की भी डेथ हो गई थी, तो वो अकेली हो गई थी। उस समय साधुओं की एक टोली
पूरे भारत में भ्रमण करते हुए मेवाड़ पहुंची। उनके पास भगवान कृष्ण की चार मूर्तियां थी और चारों मूर्तियां जो है वो अपने साथ में रखते थे और विधि विधान से उनकी पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय औरंगजेब जो है पूरे देश की मूर्तियां तोड़ रहा था और मस्जिदें बना रहा था उनकी जगह। औरंगजेब के उस टाइम जो काम था वो यही था कि लोगों का धर्म परिवर्तन करना और मूर्तियों को तोड़ना, उनकी जगह मस्जिद वगैरह ये बनाना। तो साधु उनसे डरे हुए थे और जो है वो मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। जो श्रीनाथ जी का इतिहास है वो भी यही कहता है, वहाँ पे भी मूर्ति जो है औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए उसको यहाँ लाया गया था। उसी तरह से साधु जो है वो भी उसको इसी वजह से मेवाड़ की तरफ ला रहे थे। उस समय मीराबाई की मुलाकात हुई उन साधुओं से और उन चार मूर्तियों में से जो सबसे अच्छी मूर्ति थी, सबसे छोटी मूर्ति थी, वो उस मूर्ति ने मीराबाई का जो है मन मोह लिया था। और उसके बाद काफ़ी समय तक मीराबाई जो है उन साधुओं के साथ रही, वहाँ वीणा बजाई, भजन कीर्तन किया और खूब उनकी सेवा करी। उसके बाद वो वापस अपने पिहर मेड़ता लौट गई। ये चारों मूर्तियाँ संत दयाराम जी के पास थी, जो साधुओं के जो मुख्य संत थे और सभी लोग इनकी सेवा पूजा अर्चना करते थे। जब वह भातसोड़ा गांव के आसपास पहुंचे तो औरंगजेब का डर जो है वो बढ़ गया था। औरंगजेब मूर्तियों को लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था तो उन्होंने भातसोड़ा गांव के पास बागुंड नाम की जगह पे एक बड़ के पेड़ के नीचे इन चारों मूर्तियों को जो है 10 से 15 फीट नीचे खड्डा खोद के उसमें उनको पधरा दिया और वहीं बैठ के भजन कीर्तन करने लगे और उन मूर्तियों को उन्होंने उस जगह सुरक्षित माना। उसके बाद समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो है साधु की टोली है उनमें साधु कम हो गए और जो मुख्य साधु थे दयाराम जी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो जो जगह है वो सालों तक वीरान हो गई। करीब 350 से 400 साल के बाद मंडफिया गांव के एक ग्वाला हुआ करते थे भोली राम जी गुजर, उनके सपने में आया कि बागुंड गांव में बड़ के पेड़ के नीचे चारों मूर्तियां गाड़ी गई है वो मिलेगी। तो उन्होंने गाँव वालों को इकट्ठा किया, सबको बताया। जब उन्होंने सबको बताया तो सबको आश्चर्य हुआ और किसी ने विश्वास नहीं किया। बट जब वहाँ खुदाई की गई और चारों मूर्तियाँ निकली तो सभी जो है आश्चर्य करने लगे और सभी चौंक गए। वो चारों मूर्तियों में से एक मूर्ति निकालते टाइम खंडित हो गई थी और तीन जो मूर्ति है उनमें सबसे बड़ी जो मूर्ति थी उस मूर्ति को भातसोड़ा गाँव में स्थान दिया गया, जो कि मेन हाईवे पर लोकेटेड था, अभी हमने आपको दिखाया था। और उसके बाद जो बीच वाली मूर्ति थी उस मूर्ति को उसी जगह पे स्थान दिया गया बागुंड गांव में। और सबसे छोटी जो मूर्ति थी जिसने मीराबाई का मन मोह लिया था वो मूर्ति यहाँ मंडविया गांव में लाई गई, क्योंकि जो भोलेराम जी गुजर थे वो उस मूर्ति को अपने घर लेके आए थे और उसको अपने घर के जो परिंडे में उनको स्थान दिया था। और उसके बाद समय बीतता गया और धीरे धीरे इस मूर्ति की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लोग काफ़ी आने लगे, मानने लगे। उसके बाद ये मंदिर जो है विशाल धीरे धीरे बनता गया और सांवरिया सेठ जो मंदिर है यहाँ इतनी मान्यता है, लोग इतना मानते हैं इसको कि लोग यहाँ पे अपने बिजनेस में सांवरिया सेठ को पार्टनर भी बनाते हैं और प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो यहाँ के ट्रस्ट में जाता है। तो ये थी पूरी सांवरिया सेठ मंदिर की हिस्ट्री जो हमने आपको बताई। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये सामने जो है सांवरिया सेठ मुख्य मंदिर है और इस तरह से यहाँ पे गैलरी बनाई हुई है। इस गैलरी से होके आप दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपोजिट साइड से वापस एग्जिट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बीच में एक काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है और काफ़ी मेंटेन है यहाँ पे साफ सफाई वगैरह। तो अभी हम लोग चलेंगे दर्शन करने के लिए। इस तरह की यहाँ पे ऐसी गैलरी बनाई हुई है जिससे होके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी, अभी हम दर्शन के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं सामने कुछ ही देर में जो है मंदिर के पट खुलने वाले हैं। मंदिर के जस्ट सामने काफ़ी सुंदर यहाँ पे बना हुआ है गार्डन और चारों तरफ एक गैलरी बनी हुई है जिसमें होके आप आसानी से बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकते हैं। जय सांवरिया सेठ। और वहाँ तक लाइन है अभी पूरी और ये कुछ व्यू है मंदिर का यहाँ से। यहाँ से मंदिर का पूरा व्यू नज़र आ रहा है हमें और अभी मंदिर का जो गुम्बद है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ काम चल रहा है, शायद इस पर सोने की पूरी परत चढ़ाई जा रही है अभी। और ये पूरी यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक लाइन लगी हुई है अभी दर्शन के लिए।
सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। बोलो सांवरिया सेठ की जय। हाँ जी, फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं। काफी लंबी लाइन थी पर फिर भी हमारे मुश्किल से 15 मिनट में दर्शन हो गए और मंदिर काफी अच्छा है। मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ और मंदिर अंदर से काफी अच्छा बना हुआ है और सोने की जो है उस पे परा चढ़ाई हुई है। काफी अच्छा लगा दर्शन करके। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में काफी सारे फेस्टिवल भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है और जलजूलनी ग्यारस है और बसंत पंचमी है, होली दिवाली, ऐसे काफी फेस्टिवल यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इस मंदिर को जो है पूरा सजाया जाता है यहाँ पे। ये मंदिर में जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान की है और जिसे सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाता है, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। हाँ जी, आज का ये पूरा वीडियो था सांवरिया सेठ का और हमने पूरा टूर कराया आपको विद ऑल इन्फॉर्मेशन। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।